Good morning students, this video is for the student of class 4th, okay, and we are studying the computer subject and chapter number 5 and the name of the chapter is Windows 7. So before starting the chapter, all the students are requested to open the book in front of you to understand the chapter very easily, okay. Windows 7, देखो विंडोज 7 क्या है. विंडोज 7 मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट है. माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7. एक विंडोज 7 का क्या काम होता है कि इज टू स्टार्ट और रीस्टार्ट कंप्यूटर. कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने के काम में आता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग भी कहते हैं. क्या कहते हैं, बूटिंग भी कहते हैं, ठीक है. हम लोग क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, विंडोज 7 क्या करता है, एक फंक्शन विंडोज 7 का क्या है, किसी भी को कंप्यूटर को स्टार्ट करना और उसको रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग भी कहते हैं, ठीक है. व्हेन यू टर्न योर कंप्यूटर टू स्टार्ट डूइंग सम प्रोसेस, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कुछ ये प्रोसेस देता है, ठीक है, और कुछ देर बाद आपको क्या है, वेलकम स्क्रीन दिखता है आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर. इट मे आस्क ए पासवर्ड और आफ्टर गिविंग द पासवर्ड स्क्रीन ऐप ए कॉल डेस्कटॉप. ये आपसे पासवर्ड मांगता है, अगर आपने पासवर्ड सेट कर रखा है तो ये आपसे पासवर्ड पूछता है और उसके बाद क्या है, आपको अपना डेस्कटॉप स्क्रीन दिखता है, ठीक है, ओके. चलिए देखते हैं हम लोग कह रहा है, विंडोज 7 हैज फॉलोइंग डिफरेंट कंपोनेंट. विंडोज 7 के क्या बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जिनमें आपका है डेस्कटॉप. डेस्कटॉप हमको पता है क्या होता है कि विंडोज के स्टार्ट होने का पहला स्क्रीन जो हम लोग को दिखता है जिसपे छोटे छोटे आइकन्स बना रहते हैं, नीचे में डेट्स वगैरह रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है. डेट एंड टाइम आप देखोगे, डेट एंड टाइम क्या है, स्मॉल देयर इज अ स्मॉल क्लॉक शोइंग करेंट डेट एंड टाइम ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप के सबसे नीचे राइट साइड में क्या आपको छोटा सा देखोगे क्या है, डेट टाइम आपका ब्लिंक करते रहता है, ब्लिंक नहीं शो करते रहता है, उस वही को हम लोग क्या कहते हैं, डेट एंड टाइम. ये कंपोनेंट आपका यहाँ पर विंडोज 7 में मिलता है. टास्क बार में बहुत सारी चीज़ आपको मिलते हैं, स्टार्ट मेन्यू वगैरह सब कुछ मिलते हैं. रेक्टेंगुलर लंबा शेप में रहता है, सबसे नीचे रहता है. आइकन जो हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन को देखते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो छोटे छोटे आइकन देखते हैं पिक्चर की फॉर्म में, इस पर डबल क्लिक करने पर कोई भी प्रोग्राम क्या ओपन हो जाता है. स्टार्ट बटन में क्या होता है, ये भी क्या होता है, स्टार्ट बटन आपका ये स्मॉल राउंड शेप का होता है लेफ्ट कॉर्नर में, डेस्कटॉप के सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है. इसमें क्लिक करते हुए एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है जिसे बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं और अपने जरूरत के अनुसार हम उस प्रोग्राम को क्या है, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है. माउस पॉइंटर क्या है, माउस पॉइंटर भी रहता है डेस्कटॉप स्क्रीन पर, इस टाइप का माउस पॉइंटर भी रहता है ऐसा. ये माउस पॉइंटर क्या होता है, ये एरो रहता है डेस्कटॉप पर, हमारे माउस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसका ये कर्सर क्या है डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्या है मूव करता है. एक और चीज़ जान लो आप लोग, ये हमारा क्या है, स्टार्ट मेन्यू. द स्टार्ट मेन्यू इज इन द मेन गेटवे टू योर कंपोनेंट कंप्यूटर्स प्रोग्राम सेटिंग्स एंड फोल्डर. स्टार्ट मेन्यू क्या है, मेन गेटवे, मेन जरिया है आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम सेटिंग्स और फोल्डर्स वगैरह हैं वहाँ तक जाने का, ठीक है. ये किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, आपके सेटिंग को एडजस्ट करता है, ठीक है. ओपन कॉमनली यूज फोल्डर, जो सामान्य तौर पर जो यूज फोल्डर होता है उसको भी शो करता है, ठीक है. आपको सर्च ऑप्शन देता है, किसी भी फाइल फोल्डर या प्रोग्राम का सर्च ऑप्शन देता है, ठीक है. गेट हेल्प विद एंड द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग हेल्प लेने में मदद भी करता है कंट्रोल पैनल के थ्रू, ठीक है, ओके. अब देखिए हम लोगों को क्या है, इतना जानने के बाद चैप्टर 5 में ये 8 टॉपिक्स हम लोग को जानना है. आप लोग बुक में देखिए पेज नंबर 32 में कह रहा है हाउ टू ओपन एनी प्रोग्राम यूजिंग स्टार्ट मेनू. स्टार्ट मेनू तो मैं इन शॉर्ट आप लोग को हर एक टॉपिक को डील कर देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है. बुक पर आप लोग देखते रहिएगा. क्या सबसे पहले क्या कह रहा है, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना रहता है, फिर हम लोग को और प्रोग्राम पर जाना रहता है, ठीक है. और हाउ टू ओपन एनी प्रोग्राम, अगर आप सपोज आपको एमएस वर्ड ही यूज करना है क्या करोगे, स्टार्ट पर क्लिक करोगे और प्रोग्राम पर जाओगे, एमएस ऑफिस में जाओगे, फिर एमएस वर्ड पर क्लिक करोगे, तो यही प्रोसेस होता है क्या है, स्टार्ट मेन्यू से किसी प्रोग्राम को ओपन करने का, ठीक है. अब आइए जैसे प्रोग्राम विंडोज यूजिंग डिफरेंट कंपोनेंट, पेज नंबर 34 में देखिएगा प्रोग्राम विंडोज हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट. देखिए कहना प्रोग्राम विंडो इज विजुअल एरिया जनरली हैविंग रेक्टेंगुलर शेप थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन. प्रोग्राम विंडो क्या है, विजुअल
एरिया होता है जनरली रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जैसे प्रोग्राम बटन, टाइटल बार, रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, प्रोग्राम बटन क्या होता है? अंडर द टाइटल बार ऑफ द लेफ्ट साइड। टाइटल बार के सबसे लेफ्ट साइड में क्या होता है? प्रोग्राम बटन होता है। ये प्रोग्राम बटन क्या है? मेन मेन्यू, प्रोग्राम के मेन मेन्यू को खोलने का काम आता है, जैसे फाइल, इंसर्ट, फॉन्ट, इन सब को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोग्राम बटन कहते हैं। टाइटल बटन, टाइटल बार क्या होता है? आपके फाइल के नेम को दर्शाता है। रिबन क्या होता है? रिबन्स आर यूज टू डिस्प्ले द ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड। आप उस ग्रुप से रिलेटेड कमांड जो होता है उसका काम क्या होता है? रिबन का दर्शाना काम होता है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? लेफ्ट कॉर्नर साइड में प्रेजेंट होता है बॉर्डर टाइटल बार के। ठीक है, इसमें टैब, स्क्रॉल बार और क्या है, कंट्रोल बटन्स भी आ जाते हैं। इसमें कंट्रोल बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने का होता है ऑप्शन। ठीक है, स्क्रॉल बार क्या होता है? ऊपर से नीचे आप किसी चीज को क्या स्क्रॉल करते हो। माउस में भी देखोगे कि लेफ्ट राइट बटन के साथ साथ बीच में एक स्क्रॉलिंग बार बना रहता है, स्क्रॉलिंग बटन रहता है, जिसमें ऐसे करने से ऊपर से नीचे आप स्क्रीन को कर सकते हो। ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए, हाउ टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिसाइज करने के लिए, तो देखोगे आपके विंडो में ऐसा बना रहता है कंप्यूटर में, जब भी यूज करोगे इस टाइप का बना रहता है। ठीक है, ये क्या होता है? मिनिमाइज। आप जो भी फाइल पे वर्क कर रहे क्लिक करोगे तो आपके टाइटल बार जो नीचे रहता है स्टार्ट मेनू में, यहाँ पर ये आ जाता है ना, जैसे फिर इस पर आप क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो कभी कभी आपके विंडो फिट ना हो, अगर आपका डेस्कटॉप इतना बड़ा खुला हुआ है तो ये इतना ही बड़ा खुल जाता है। अब इस पर फिर से एक बार क्लिक करो तो ये क्या होता है? फिर से रिसाइज होता है, फिर से ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रिसाइज विंडो। देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे हो रिसाइज करने के लिए ना, जो छोटा सा खुल गया डेस्कटॉप स्क्रीन में, जैसे ही आप इसमें दोबारा से क्लिक करोगे तो फिर ये क्या रिसाइज हो जाता है, यानी विंडोज के पूरे स्क्रीन में ये क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। ठीक है, कह रहे देखो हाउ टू शो डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप पर शो करना हो तो क्या करें? सबसे पहले तो माउस पॉइंटर को क्या करेंगे हम लोग, टास्क बार के सबसे राइट कॉर्नर में ले जाएंगे ऊपर में। ठीक है, और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा। फिर हम लोग शो डेस्कटॉप ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेस्कटॉप स्विच शो होना शुरू कर देगा। वही तब होगा जब आपका डेस्कटॉप क्या हाइड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का ऐसे नहीं। एक और देखो, करें हाउ टू स्विच बिटवीन विंडोज, हाउ टू स्विच बिटवीन विंडोज। इन शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ और इन सब लोग समझना भी नहीं है लेकिन जान लो। ठीक है, हाउ टू स्विच बिटवीन विंडोज करें है, फॉलो दिस स्टेप टू स्विच बिटवीन द विंडोज व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद मोर देन वन ओपन विंडोज। आप एक से अधिक विंडोज में जब आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप टास्क बार में देखोगे ना नीचे में, जब आपका टास्क बार रहता है स्टार्ट मेनू के बगल में जो रहता है, तो जितना ही प्रोग्राम आप खुले रहता है सब यहाँ पर खुला रहता है इस तरीके से, है ना। तो आपको लग रहा है आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, सपोज आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, आपको पेंट करना है, आप पेंट यहाँ पेंट पर वर्क कर रहे, पेंट पर तुरंत यहाँ पर पेंट का जो आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो फिर सामने पेंट आ जाएगा, फिर इस पर क्लिक करोगे दोबारा एमएस वर्ड वाले पर तो एमएस वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है इस विंडो को स्विच करना। ठीक है, अब कह रहे हैं हाउ टू क्लोज अ विंडो। आप जैसे आप लोग मैं समझता हूँ मोबाइल ही चलाते हो तो उसमें होम टैब में जाता है, एक बगल में रहता है, उसमें क्लिक करते हो तो बहुत जो फाइल आपको ओपन रहता है वो क्लोज करता है ना। अगर आपको फाइल ऑल क्लोज करना था, आप लोग जो सब फाइल को क्लोज कर देते हो, अगर तो जिस फाइल को ओपन करना था उस फाइल को फिर से दोबारा क्लिक करते हो ओपन हो जाता है। सेम यही काम होता है स्विच विंडो का। ठीक है, क्लोज करने का नियम बहुत अच्छा है, आप चाहो तो डायरेक्ट इस पर क्लोज कर दो उस विंडो को, क्या है वो ओपन विंडो पर जो रहेगा टाइटल बार के सबसे ऊपर राइट साइड में रहता है, उस पर क्लोज करके विंडो तो क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो, और नहीं तो भैया अगर स्टेप बाय जाना है तो क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए आप डायरेक्ट सिंपल जाकर, आपका क्या है ये क्लोज हो जाएगा। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, विंडो 7 आप सभी को पता है कि GUI होता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें क्या है हम लोग पिक्चर, ऑडियो वीडियो वगैरह सब कुछ हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, पहला स्क्रीन जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, और आइकन क्या होता है? आइकन छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं डेस्कटॉप पर, इसमें कमांड, फाइल्स और विंडोज वगैरह होते हैं। ठीक है, बाय दिस चैप्टर इज एंडेड, थैंक यू फॉर द वीडियो।